आपको हलीम बनाना सिखाऊंगी, मटन हलीम। इसके लिए हमें क्या चाहिए, ये अरहर दाल है। ये कप से मैंने 1.5 कप लिया है और ये कप से मैंने 4 कप गेहूँ लिया है जिसे मैंने धोकर भिगा दिया है। और ये हमने अरहर का दाल लिया है, ये मसूर दाल लिया और ये चना दाल। चना दाल हमने 2 कप लिए, बाकी सारे दाल 1.5 कप लिए। और ये हमारा माश का दाल है, इसे उड़द की दाल भी कहते हैं। और ये हमारा मूंग का दाल है, ये देख सकते हैं। इन सभी को आप ओवरनाइट भिगा के रखें और मॉर्निंग में बनाएं तो बेस्ट रहेगा, ये जल्दी से बन जाते हैं। चलिए इसे हम भिगा देते हैं। और इसमें मैं ऐड करूंगी इसी कप से 1 कप चावल। तो आप देख सकते हैं ये मैंने सारे दालों और चावल जो है सबको मैंने ओवरनाइट भिगा के रख दिया। और ये गेहूँ मैंने ऐसे भी ओवरनाइट भिगो दिया। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से फूल गया है। अब हम इसमें कुकर में इसे डाल के इसमें मैंने गेहूँ ऐड कर दिया। अभी हमारा भिगा हुआ दाल ये सारे इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें सारा दाल और गेहूँ मैंने ऐड कर दिया। अब मैं इसमें 1.5 लीटर पानी ऐड कर दूँगी। या आप 1 लीटर ऐड कर दो, मैंने 1 लीटर ऐड कर दिया पानी, आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हल्दी पाउडर, आप देख सकते हैं मैंने ये 1 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर दिया। अब हम इसे कुक कर लेंगे, पका लेंगे। साथ ही इसमें मैं 1 चम्मच नमक डाल दूँगी, 2 चम्मच मैं नमक डालूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दें। अब इसे हम ढक के पका लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारा हो चुका है। अब मैं इसमें सीटी लगा लूँगी। तो ये देख सकते हैं 1 सीटी आने के बाद इसे 1 से 1.5 घंटे तक मुझे पकाना है। आज मैं आपको मटन हलीम बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए जो हमें सामान चाहिए वो ये है कि मैंने 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर लिया, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और ये 1 चम्मच काली जीरा पाउडर। ये हमारा हो गया मसाले। उसके बाद हमने ये लहसुन का पेस्ट लिया 2 चम्मच, ये 2 इंच के टुकड़े मैंने अदरक लिए हैं, ये 2 चम्मच धनिया साबुत धनिया लिया और ये 1 चम्मच हमने सौंफ लिया। इसे हम पीस लेंगे, बारीक पेस्ट बना लेंगे इन सबको। और ये मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, इसे मैंने कट कर लिया है। और ये हमारा 1 किलो मटन है, आप देख सकते हैं बहुत ही बड़े बड़े पीसेस लिए हैं। बड़े बड़े पीसेस लेने से क्या होता है, इसके रेशे बहुत अच्छे बनते हैं। चलिए इसे कुक करते हैं, पका लेते हैं। आप देख सकते हैं मैंने कुक कर लिया है, इसे गरम कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल, ये आप देख सकते हैं मैं इसमें सरसों का तेल डाल दूँ इसके अंदर हम। तो आप देख सकते हैं हमारा तेल गर्म हो चुका है। ये जो हमने प्याज काटे हैं 3, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है, हमें तो ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे अपना मटन, ये सारे मटन के पीसेस के अंदर ऐड कर देंगे। इसे 2 मिनट भून लेंगे। हमारा 2 मिनट हो चुका है, हमने भून लिया। अब इसमें हम डालेंगे अपना मसाला, ये मसाला जो हमने पीस लिया है
उसको मैश कर लेंगे और इसे भून लेंगे अच्छे तरीके से। तो आप देख सकते हैं हमने वो पिसा हुआ मसाला डाल लिया है। अब वो हम ये सारे मसाले इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो हमने आपको पहले शुरू में ही दिखा दिया था कि हम इसके अंदर क्या क्या डालेंगे। ये सारे मसाले इस तरीके से ऐड कर देंगे। ये देखें सभी मसाले को हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब से हम 2 मिनट भून लेंगे तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल है ये हलीम बनाना। आप लोग भी ये बना सकते हैं, हर कोई बना सकता है। लेकिन लोग सोचते हैं कि हलीम में बहुत ही टेंशन है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको आपके लिए लाई बहुत ही इजी स्टेप में। आप इस तरीके से बनाएं, फटाफट बन जाएगा आपका हलीम। आप देख सकते हैं ये हमारा भुन चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी स्वाद अनुसार नमक। ये मैंने 1 चम्मच ऐड कर दिया और ये 1/2 चम्मच। अब इसे करेंगे मिक्स। अब इसे हम करेंगे मिक्स। मैं देख सकती हूँ गोश्त को अच्छी तरीके से भून लेंगे, क्योंकि हमें इसे दोबारा भूनने का मौका नहीं मिलेगा और ना ही पकाने का मौका मिलेगा। इसलिए ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप इसे स्टार्टिंग में ही अच्छे से पका लें। अभी हमारा पक चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे पानी। पानी मैं तकरीबन 1/2 लीटर डालूँगी। बिल्कुल अच्छा नरम होना चाहिए हमारा गोश्त, रेशे रेशे वाला। 1/2 लीटर मैंने पानी डाल दिया है और हमारा गोश्त भी पानी छोड़ देगा, इसलिए इतना काफ़ी रहेगा। अब इसे मिक्स करके सीटी लगा देंगे। हम इसमें 1 सीटी आने के बाद लो फ्लेम पे 1 घंटा रख देंगे। हम इसका ढक्कन करते हैं बंद इस तरीके से। ऐसा हाई फ्लेम पे 1 सीटी ले आते हैं। चलिए ऐसे अब हम खोल के देख लेते हैं। ये हमारा 1 घंटा हो चुका है, इसका प्रेशर निकल चुका है, अच्छी तरीके से गल चुका है। आप देख सकते हैं मैं आपको एक बूटी तोड़ के दिखा देती हूँ। उसका हमें रेशा रेशा बनाना है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे बूटी जो है कितने सॉफ्ट बने। ऐसे दबाएं, हल्का सा प्रेस करें और ये टूट जाए। बिल्कुल इसी तरीके का आपको भी गलाना है। चलिए देख सकते हैं ये 2 घंटे मैंने दाल गेहूँ जो भी है सबको मैंने गला लिया और ये घोटने की मदद से मैंने इसे इस तरीके से अच्छे से घोट लिया है। अब हम इसे पका लेंगे, हमारा गोश्त जो है उसके अंदर मिक्स कर देंगे। तो हमने जो सालन बनाया था उसमें हमने इसको पलट दिया। इसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे गैस पे पकाएंगे 5-10 मिनट तक और उसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। इस तरीके से आप अच्छे से मिक्स करें। आप देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं मैंने गैस ऑन करके इसको चढ़ा दिया हाई फ्लेम पे। अब इसे हम 5 मिनट तक पकाएंगे हाई फ्लेम पे और इसे कंटिन्यू इस तरीके से घाटते रहेंगे, ऐसे घोटते रहेंगे घोटते रहेंगे। ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त आया है हमारा रेशा। बिल्कुल इसी तरीके से आप बनाएं। थोड़ा सा दाल और जो गेहूँ होता है उसे ही गलने में टाइम लगता है, बाकी तो ये झटपट बन जाता है। बस उसी में जो टाइम लगता है सो टाइम लगता है। गेहूँ बहुत ही हार्ड होता है तो बहुत ही लेट से गलता है। आप देख सकते हैं कितना रेशा रेशा हमारा हलीम बन के तैयार हुआ है। अभी हम इसे 5 मिनट तक पकाएंगे। इसे पकते पकते 5 मिनट हो चुका है। अब
अब हम इसे ऑफ़ कर देंगे। आप इसको देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से हमारा रेशे वाला हलीम तैयार हुआ है। अब हम इसे बॉल में सर्व करते हैं। देख सकते हैं ये हमारा हलीम बिल्कुल तैयार है। आप इसी तरीके से बनाएं, खाएं, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप देख सकते हैं मैं इसको आपको दिखा देती हूँ कितने रेशेदार बने। ये देखें बिल्कुल इसी तरीके से आप भी बनाएं, झटपट बन जाएगा।